दुनिया चल हमारी जिंदगी से दूर क्यों नहीं चली जाती। अच्छा आप मजाक उड़ा रहे हैं। इतनी बार सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाया बहुत दफा। इतने लंबे बाल होते थे कि मैं जब बैठती थी अपने बालों में बैठ जाती थी। तुमसे बात कर रही हूँ, क्या बात करनी है आज? मुझे तो लगता है इसको करके ना आप निकलेंगे। क्या हुक्म है? मुझे एक ना मर्द चाहिए। ये फॉरन डांस शुरू। मुझसे जो शादी करेगा उसको तो मेरे पांव छूने चाहिए। शेव मलिक आया यार। किसी तो बड़ा अच्छा लड़का है, तुम्हें पसंद है? मम्मी का अम्मी आंखों आंखों में होते हैं गुम। वाह दिल बोले बूम बूम। लेकिन ये वो दोस्त है जिसको देख के फख्र महसूस करते हैं हम, क्योंकि ये देखते ही देखते माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी आसमानों की बुलंदियों तक पहुंच गई और हर तरह का रोल इन्होंने किया और बखूबी निभाया। और अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की अगर ड्रामा और फिल्म की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो टॉप 5 की जो एक्टर्स होंगी इनमें इनका नाम जरूर शामिल होगा, क्योंकि जो एक्सप्रेशंस, जो इमोशंस, जो अदाकारी के जौहर स्क्रीन पर ये दिखाती हैं वो बहुत कम अदाकारों को ये शर्फ नसीब होता है। तो मैं बहुत फख्र के साथ अपनी दोस्त को बुलाना चाहूंगा, आपकी भरपूर ताली में बुलाते हैं सोनिया हुसैन। ओएमजी बात सुपरस्टार फ्रेंड, क्या हाल है? कौन सा मैं ठीक ठाक बैठिए बैठिए बैठिए। सुपरस्टार सोनिया हुसैन इज ऑन माय शो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हम जब पुराने दोस्त आप करके बात करते हैं तो बहुत फॉर्मल था, लेकिन स्क्रीन के लिए हमें करना पड़ता है। सोनिया क्या हो रहा है आजकल भाई? बस काम 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 ही हो रहा है। बहुत अच्छी बात, काम हो रहा है, काम हो रहा है और रेनोवेशन हो रही है घर की, जिसकी वजह से इतना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। खुद कर रही है? जी जी खुद ही कर रही हूँ। प्लास्टर लेके लगी हुई है सोनिया खुद घर में। नहीं अच्छा अच्छा, लिटरली अगर वो करना पड़ता ना वो भी मुझे करना पड़ता अपने हाथ से, क्योंकि इतना ज्यादा इनके साथ दिमाग लगाना पड़ता है। मैं कहती हूँ ला मुझे तो, मैं खुद लगा लेती हूँ। यार सोनिया, मैं एक सवाल हमेशा से पूछना चाहता था। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आपसे सीरियस करवा लो, आपसे कॉमेडी करवा लो, आपसे रोने धोने वाला करवा लो, आपसे रोमांस करवा लो, आपसे कुछ भी करवा लो, ये कहाँ से ये इंस्पिरेशन आती है कि मुझे ये कैरेक्टर इस तरह से अपने पिछले कैरेक्टर से अलग करना है? बस आपसे सीखा है। हाँ सारा मेरे पे पाल दियो, मैंने किया सारा, मेरा कसूर है। अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है। कुछ नहीं, बस यार आई थिंक कभी भी सोचा नहीं था कि एक्टर बनूंगी, मतलब ये तो आपके सामने जब जब हम लोग आई थिंक आई वॉज इन कॉलेज और आप भी शायद बहुत ही यंग थे, बहुत ही यंग थे, कॉलेज के दोस्त थे हम लोग। तो उस वक्त स्टार्ट किया, कोई इरादा नहीं था एक्टर बनने का। आई थिंक कभी आपको पता नहीं होता अभी किस्मत में क्या लिखा है। इनिशियली अपनी छोटी मतलब बिल्कुल एक न्यू लेवल पर मॉडलिंग स्टार्ट की थी जब हम आप। जी जी जी, आई डिड अ शैम्पू कमर्शियल। शैम्पू कमर्शियल किया था आपने? तो जी वो किया था, और जिसमें ओह इतना इंटरेस्टिंग है ये वाला किस्सा, उस वक्त मेरे इतने लंबे बाल होते, लिटरली इतने लंबे बाल होते थे कि मैं जब बैठती थी अपने बालों में बैठ जाती थी। इतने ज्यादा बाल होते थे, मतलब बहुत हमारे जेनेटिक्स में सबके बड़े अच्छे बाल होते हैं। तो उस शैम्पू में मुझे मिल रहा था 1 लाख रुपए। मैं तो पागल ही हो गई खुशी से। मैंने कहा एक बाल बड़े करने की 1 लाख रुपए? नहीं, बाल काटने की 1 लाख रुपए, मतलब। अच्छा, काटने क्योंकि थे बाल? इतने लंबे और इतने घने बाल थे कि वो ब्लो ड्राई से एक शॉर्ट होता है ना, बाल उड़ रहे हैं तो बाल उड़ नहीं रहे, इतना वेट था बालों का। तो उन्होंने कहा आपके बाल हमें शॉर्ट करने पड़ेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि काट दे आपके बाल। मेरे को काट दे काट दे, कोई मसला नहीं, लाख रुपए दे रहे हैं, काट दो। मतलब मुझे तो पता भी नहीं था 1 लाख में जीरो कितने होते हैं, खुशी के मारे में सोई जैसी होती ना बच्चों को 1 लाख रुपए मिल जाए, मतलब तो पागल। तो खैर अभी तो खैर आजकल 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं होते, बच्चे 4-4 लाख के फोन लेके घूम रहे होते हैं। यार ये हमें शर्मिंदा कर देगी। वाकई वाकई यार, वाकई कुछ नहीं होते। तो खैर एनीवे, तो वो दैट वाज माय फर्स्ट कमर्शियल। हां, तो बाल जब कटे थे तब अम्मी नाराज भी थी थोड़ी देर के बाद। ओह माय गॉड, मेरे अब्बू ने तो मुझसे बात ही नहीं की 4-5 दिन। उन्होंने कहा ये क्या किया तुमने, ये क्या बात है बेटा, मुझसे पैसे लेती? मैं कुछ सच में यहां पे पॉकेट मनी लेने के लिए जतन करने पड़ते हैं। हां वैसे, लेकिन नहीं, लेकिन मतलब बचपना होता है तो आप कुछ भी करते हैं, अच्छा होता है वो चीजें वापस आप रिमाइंड करते हैं, बड़ी हंसी आती है। वैसे सोनिया, काफी लोग ऐसे होते हैं कि जिनका एंबिशन होता है कि वो एक्ट्रेस बनेंगी, और वो जब बन जाती हैं तो शायद वो इतनी स्किल्ड नहीं होती। आपका एंबिशन नहीं था लेकिन फिर आप एक्ट्रेस बन गई, तो फिर ये स्किल कहाँ से आई? ये इनबॉर्न थी या ये फिर कुछ सीखा?
आई थिंक एज अ पर्सन आई एम वेरी सेंसिटिव और बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ. मतलब शुरू से ही, जैसे कि अगर आप मेरे साथ बैठे हुए, हम ये बचपन से स्कूल लाइफ से ही है, कोई बैठा है वो जिस तरह से भी बॉडी लैंग्वेज कर रहे हैं या आंखें यूं कर रहे, थोड़ी देर बाद वो मैं नहीं भी चाहूंगी ना, वो मेरे अंदर वो चीज़ आ जाती है. तो मैं बहुत ज्यादा जल्दी लोगों को अडेप्ट कर सकती हूँ ऑब्जर्व करके उनकी बॉडी लैंग्वेज में. एक तो ये है, दूसरी बात ये कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बचपन से ना मेरा इमोशन से बड़ा एक रिलेशन बहुत ज्यादा रहा है हर चीज. मतलब लिटिल लाइफ ऐसे 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 अप्स एंड डाउन रहे लाइफ में, तो वो सब चीजें जब आप स्क्रिप्ट पे पढ़ रहे होते हैं ना, वो आप अल्टीमेटली उससे रिलेट कर पा रहे होते हैं टू सम एक्सटेंट. बहुत सारी चीजें होती है जब नहीं भी कर पा रहे होते, लेकिन बहुत सारी चीजें आप कहते हैं यार ये तो मेरी लाइफ में हुआ है, इससे तो मैं यू नो गुजर चुका हूँ. तो जब आप गुजर चुके होते हैं तो आप वही अपने इमोशंस को दोबारा से यू नो पोर्ट्रे करते हैं स्क्रीन पर, वो नेचुरल आता है इवेंचुअली. तो मुझे बहुत एफर्ट नहीं करनी पड़ती, एफर्टलेस. मैं बस सोचती हूँ कि अच्छा ये अब बस वहां चले जाओ बैकग्राउंड में. तो ये ट्रेजेडी हुई थी, ये खुशी मिली थी. अच्छा कौन सा ऐसा पास्ट का मोमेंट है जिसको याद करके आप वाकई उदास हो जाती हैं? जब कोई इमोशनल रोने धोने वाला सीन करना था, आप कहीं पास्ट में जाती हैं दिमागी तौर पे? बहुत सारे हैं लेकिन बस हाँ, लेकिन जब सीन करना होता है तभी उसको रिमाइंड करते, तभी वो ट्रिगर ऑन करते हैं. अदरवाइज फायदा नहीं है. लाइफ इतनी खूबसूरत है, इट्स फुल ऑफ कलर्स. तो आप बिला वजह डिप्रेशन में रहना बंदा नहीं, बिला मैं तो इतना हंसती हूँ. बट हाँ ये है कि हाँ सीन में वो चीजें काम आती है. म्यूजिक बड़ा काम आता है. म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक आप लगाएं और उस फौरन ही आप उसमें चले जाते हैं. उदास म्यूजिक लगाया आप उदास हो जाते हैं. मतलब आर्टिस्ट होते हैं यही है, जिस एनवायरनमेंट में डालो वैसे. वाह वाह वाह, क्या बात है. अच्छा सोनिया, हमारी मुलाकात हुई थी पहले, हमारे एक एयरवे के प्रोजेक्ट था और जमाना हो गया. वो आएगा सबका पहला ड्रामा था या दूसरा था? नहीं नहीं बिल्कुल शुरू का ही था. बिल्कुल शुरू का था ना. तो वो सोनिया और आज की सोनिया एज अ पर्सन कितना फर्क आया है? बहुत. जमीन आसमान का फर्क है. काम हो गई हूँ और यू नो मेडिटेट करती हूँ, थोड़ा सा पीसफुल हो गई है चीजें और चीजें बहुत आसानी से. तो अब इतनी काम और सूदिंग सी लाइफ जीने के बाद अब सोनिया को किस चीज पर गुस्सा आता है? भाई अगर सुबह में उठूं, नहीं सुबह उठूं, नहीं सुबह तो खैर नहीं, रात को सुबह अगर मैं उठ भी जाऊं. अच्छा मजाक उड़ा रहे हैं. नहीं रात को जब मैं थक के जाऊँ और अगर मेरा बेड ना बना हुआ हो, मुझे उस चीज पे बड़ा गुस्सा आता है. छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा. खाने वाने का गुस्सा कोई नहीं कि खाने में लेट मिल रहा है या नहीं, मतलब नहीं, का खाना नहीं मिल रहा. सब खा लेते वो चले. गरीब तबीयत है. गरीब मिजाज के लोग कुछ भी खिला दे. अच्छा भाई, हमने एक फिल्म भी की थी साथ में और वो पाकिस्तान से, हमारे लिए फखर की बात है, पाकिस्तान से ऑस्कर के लिए वो गई थी और ऑफिशियल नॉमिनेशन थी और टॉप 13 तक गई थी. जी बिल्कुल. यार उस फिल्म का एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत अच्छा था. मैं चाहूंगा कि आप उस फिल्म का एक्सपीरियंस लोगों को बताएं. हमारा सात सीन था ना, हमारे ही तो सात सीन थे, हम लड़ते रहते थे उसमें. भूल गई नहीं देखी फिल्मों के अंदर. मतलब उस तरह की स्क्रीन नहीं देखी वैसे. तो बहुत अच्छी फिल्म थी, जामी महमूद की फिल्म थी, जामी भाई की, और बड़े दिल से उन्होंने बनाई थी. मोर असल में उस वक्त जब हम फिल्म कर रहे थे तो पता ही नहीं था. अच्छा फिल्म कोई बड़ी चीज होती है, फिल्म अच्छा सिनेमा पे लगती है, क्योंकि बैकग्राउंड वैसा नहीं है ना हमारे घर, ना टीवी का रिवाज है. पाकिस्तान में फिल्में बनती भी नहीं थी. इसके अलावा हमारे घर का भी उस तरह का नहीं था एनवायरमेंट के मूवीज देखने जा रहे हैं, या इवन हमारे घर में टीवी नहीं था तो हम लोग टीवी तक नहीं देखते थे. सब पढ़ाई में इतना मशरूफ रहते थे. तो जब फिल्म की और उसके बाद जब फिल्म लगने लगी, और सबने कहा अच्छा एक रेड कार्पेट होता है उस पर ना तैयार होके आना होता है, मैं तो पागल ही हो गई ना खुशी से. दुल्हन बन गया. बस करो, इतने अच्छे कपड़े पहन के आई थी मैं. नहीं लेकिन उस वक्त इतना एसेंस पता नहीं होता आपको फिल्म का कि अच्छा फिल्म एक लाजवाब लगे यार हमने क्या किया है. जी और अब आप इस ईद पे आपकी आई है एक बहुत बड़ी फिल्म, दादल आगे पीछे आई है. दादल वाला जो कैरेक्टर है यार वो बहुत इंस्पायरिंग है. वो एक मुश्किल कैरेक्टर है बहुत. आप फिल्म तो जाके नहीं देखे? हमें सब पता है. हम एक काम करते हैं, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से आके ना फिर उनको बता दे कि दादल में इन्होंने किया क्या है. मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा सना एक्चुअली यार तुम. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो. मेरे साथ मौजूद है हमारी सुपरस्टार, हमारी दोस्त, हमारा फखर सोनिया हुसैन. सोनिया सांस ले ले, सांस. मैं मेरा दोस्त है भाई, आज मैं बगैर सांस के शो करूंगा. सोनिया बहुत सारे कैरेक्टर्स के, सबसे मुश्किल कैरेक्टर कौन सा लगा अब तक? तीन कैरेक्टर एक्चुअली, उसमें से एक बताओ.
चलो तीन बता दो, तीन बता दो। हम आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। चलो तीनों छोड़ो, आप एक तीनों छोड़ो यार, लंबी हो जाएगी। एक सराब मैंने कैरेक्टर किया था जिसपे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट का कैरेक्टर मैंने निभाया था, वो बड़ा मुश्किल था क्योंकि उसमें मुश्किल ये था कि आप जब एक्टिंग कर रहे हो क्योंकि उसको डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस हो रही होती है ना, तो आप खुद से ही बात कर रहे होते हैं, आप बैठे हुए कहते हैं अच्छा ये हुआ पता नहीं इसमें, तो आप ना एक लाइन ड्रॉ हो रही होती है कि लोग ये ना समझ लें वो जिन तो नहीं आ गए, कहीं जिन से तो नहीं बात कर रही, तो वो आपको बहुत ज्यादा एबनॉर्मल भी ना लगे, वो एबनॉर्मल भी ना लगे, तो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल था उसमें कि ये इधर शी इज अ पेशेंट या फिर ये कोई इसमें जिन्नात का असर है, तो वो बड़ा मुश्किल था। और वो करते करते इतना ज्यादा वो सराहियत कर गया था मेरी पर्सनैलिटी के अंदर, तो मैं एक्चुअली वैसी हो गई थी कि मतलब बात तो नहीं कर रही होती, लेकिन मैं बैठे बैठे मेहमान बैठे और मैं यूं देख रही हूँ, तो मेरी अम्मी ने मुझे नोटिस किया, लाइफ में भी आ गया था वो, आ जाता है आपके अंदर जब आप एक कैरेक्टर निभा रहे होते हैं 6-6 महीने और दिन रात वही कर रहे होते हैं, आपको खुद नहीं पता होता, वो आपके अंदर आ जाता है। एक मैंने किया था नाजो जिसमें स्पेशल चाइल्ड का कैरेक्टर था, तो यूं करके बात करती थी, तो मैं लिटरली यूं करके ही बात करने लग गई, तो उसके बाद मैंने ऐसी तन्हाई की तो आबिद साहब कहने लगे निकल आओ नाजो से। तो हाँ, कैरेक्टर्स का असर बहुत होता है, बट सबसे मुश्किल अब तक जो था वो सराब था। मुझे जब तक का आपका ऑल टाइम फेवरेट लगा दादल वाला कैरेक्टर, वो एक बहुत ही टफ कैरेक्टर था, उसके लिए आपने बॉक्सिंग भी सीखी, एक अलग डायलेक्ट सीखा, उसका होमवर्क क्या था ये बताओ। उसका जो स्ट्रगल था वो फिजिकल ज्यादा था, मतलब मेंटली इतना नहीं था, शराब में तो मेंटली था और मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया तो उसकी वजह से, लेकिन उसमें हाँ फिजिकल वो था ज्यादा। एक कितने महीने बॉक्सिंग सीखी? आई थिंक 2 महीने। 2 महीने बॉक्सिंग सीखी, एमएमए फाइट, और इतने सारे सीन्स कार्ड भी दिए उन्होंने, ड्यूरेशन की वजह से, लेकिन एमएमए फाइटर्स थे उनके साथ सीखती थी, बड़ा मजा आता था, ब्रूजेस पड़े होते थे, घर जाती थी यौन नीला हो रहा है, यौन नीला हो रहा है, ये क्या हो रहा है, खैर लेकिन वो वर्थ इट होता था जब आपको पेन होता है और घर वाले कहते हैं कहां से पिट के आई हो भाई, बड़ा जाते थे जब सुबह शावर लेते थे कहते हैं तो इतना नीला नीला क्या हुआ, तो ऑब्वियसली वो कल का होता। तो अब सोनिया इतनी प्रैक्टिस आ गई है सोनिया को कि अब मार्केट में कोई लड़का कोई बदतमीजी करे तो वो तो बचपन से डर के डरते हैं। आखिरी बार किस लड़के को मार्केट में मारा था ये बता? पहली दफा याद है मुझे, आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, okay. तो एक लड़का ना पूरे टाइम मेरे साथ, मतलब मेरे साथ ही बैठा था, तो कहता है मुझे ना मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने क्या बात करनी है, इसको क्या होमवर्क कराना है क्या है? 6th ग्रेड के बच्चे कितने छोटे होते हैं, तो वो ब्रेक में हम नीचे उतर रहे, तो कहते हैं मैं तुमसे आई एम इन लव विद यू, फिर सारा प्यार निकाला सोनिया ने, मैंने तो बताऊंगा फिर पकड़ के, तो उस वक्त पहली दफा ना मैं उसको मतलब अच्छे से, हालांकि करना नहीं चाहिए, कितनी बुरी बात है, एक तो कोई आपसे प्यार कर रहा है आपको मार रही है यार, नहीं बच्चों के दिमाग में होता है ना बड़ी गंदी बात होती है, और अब तो वो सुनने के लिए इंसान कहता है यार कोई तो बोल दे, अब वो लड़का अगर दोबारा कहे सोनिया आई एम इन लव विद यू तो क्या करेंगे? अच्छा नहीं था, वही दोबारा फ्लैशबैक आएगा, वो पकड़ के दोबारा हिलाया जाएगा उसको। नहीं, अब तो पता नहीं तब बड़ा बन गया। नहीं, अब नहीं होता। नहीं, इसी तरह की कुछ और बातें हैं जिनसे पर्दा उठाना है सोनिया को। ओ, गेम्स हैं। हाँ, गेम्स हैं। ऐसे शोज अच्छे लगते हैं। ये पहला सवाल जिससे सोनिया को उठाना है पर्दा वो है ये, क्या सोनिया कितनी भी जल्दी कर ले लेकिन बदतमीजी शुरू हो गई है शो पे इवेंट पर पहुंचने में अक्सर लेट हो जाती है। असल में मैं इतना ज्यादा अपने ख्याल में कोई भी 3 घंटे तक शीशे के सामने खड़ी थी यार, ये मेकअप नहीं मुंह धोया नहीं, हर कोई लेट, हर कोई मुझे बदनाम किया हुआ है बिला वजह, तो मतलब लेट हर कोई होता है। हाँ। तो आप जानबूझ के होती है, मतलब गलती है कि आपके शो पे इतने टाइम से आई हूं मैं, क्या बात कर रहे हैं। बहुत टाइम से आई हूं। क्या सोनिया की वालदा को लगा कि रिश्ता आ गया जब शुएब मलिक उनके घर आए थे? ये क्या सीन है? शुएब तो बेचारा, कोई भी लड़का आता अम्मी को ही लगता है रिश्ता है। अच्छा, तो मतलब शुएब मलिक से कोई खास वो नहीं था, लेकिन अम्मी को तो होगा ना शुएब मलिक आया यार। शुएब बहुत तमीज़दार से एक इंसान है, तो आके ना अम्मी से सर पे हाथ फिरवाना, हमारे घर में ये बड़ा ट्रेंड है कि सर पे हाथ, छोटे हाथ फिरवाते हैं, बैठना पे पूरी टाइम जी जी आंटी, जी जी मैं ये करता हूँ, जी जी आंटी बस अभी मैं इसलिए, तो अम्मी ने कहा तो बड़ा शरीफ लड़का है, अम्मी को तो नहीं पता। तो शुएब ने कोई बात नहीं, अम्मी कही हाँ मैं कबूला में मंजूर है, तुम डेट फिक्स कर लो। कहती तो बड़ा अच्छा लड़का है, तुम्हें पसंद है? मैंने कहा अम्मी शादीशुदा है और दोस्त है ये मेरा, क्या बात कर रही है, हर कोई थोड़ी। तो अम्मी ने कहा ओहो अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। अगला, क्या सोनिया के बारे में अफवाह उड़ाई गई कि सोनिया को कास्ट करना मुश्किल काम है? मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि मैं जब सेट पे जाती ना उससे पहले दिस इज व्हाट आई बिलीव कि प्री वर्क होमवर्क जो होता है ना वो बड़ा जरूरी होता है सेट के ऊपर,
जो प्री प्रोडक्शन होती है आपका आर्ट का काम होता है कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज होती है उसके बाद करने का आजकल क्या होता है आपको स्क्रिप्ट देते हैं बस ज्यादा ये बात करते हैं कितने पैसे लेने हैं अगर वो पैसे डालने जाते हैं ठीक है कल से सेट पर आ जाए लिटरली आजकल ये हो रहा होता है तो मैं इसलिए मैं एक्टर को कैरेक्टर में जाने का टाइम नहीं मिलता तो वो मुझे चाहिए होता है फिर मैं 50-50 कॉल्स करती हूँ डायरेक्टर को कोई सीन ऐसा आ जाता है कि जिसमें यू नो बॉडी शेमिंग हो रही है जैसे कल मुझे याद है कल मैं एक टेलीफिल्म कर रही थी उसमें था कि अपनी माँ को कहती है कि ना उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी के बाद तुम्हारे साथ जाऊंगी कहती है क्या मतलब आपका मेरे साथ जहेज में जाने का इरादा है तो मैंने कहा ये बेटी क्यों बोलेगी अपनी माँ को मतलब जिस माँ का हस्बैंड अलाइव नहीं है या जिस माँ के साथ उसका बेटा नहीं है सिर्फ एक बेटी ही है कुल कायनात तो वो ऑब्वियसली वो बेटी के साथ ही रहेगी इसको हमने इतना टैबू क्यों बनाया हुआ है कि माँ की माँ ससुराल में नहीं रह सकती ससुराल नहीं अलग घर ले लें बाहर है मतलब क्या रॉन्ग है इसमें मतलब हस्बैंड के माँ बाप रह सकते हैं बेटी के माँ बाप नहीं रह सकते तो मैंने कहा मैं तो इस तरह की कोई भी बात नहीं करूंगी तो इसलिए मुझे डायलॉग्स पे बड़ी ज्यादा मसले होते हैं तो डायरेक्टर कहते हैं कि यार इतना टाइम हमारा ले रही है यार इतना सर खपा रही है तो भाई काम करने के लिए करिए ना अल्टीमेटली मैसेज जा रहा होता है सोसाइटी में ओके जी अगला सवाल क्या सोनिया को अक्सर लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल अदाकारों से बहुत मिलती हैं अच्छा किस किस से कंपैरिजन किया है भाई किससे मिलती हैं पता नहीं हर किसी से मैं जैसा गेटअप करती हूँ उसमें मिला देते हैं प्रियंका चोपड़ा का पता है आप श्रीदेवी में कितनी मिलती हैं श्रीदेवी में मैं तो पागल ही हो गई ना सुन के श्रीदेवी तो इतनी खूबसूरत है मतलब प्रियंका भी अच्छी प्रियंका की मुझे एज अ पर्सन अच्छी लगती है कि बड़ी यू नो एस्टैब्लिश्ड वुमन है इंडिपेंडेंट है वो चीज़ें अच्छी लगती है श्रीदेवी वाकई प्रिटी थी शी वाज रियली तो वैसे आपको कौन सा कॉम्प्लीमेंट आपको और कौन सी अदाकारों के साथ कंपेयर किया जाता है जो आपको खुशी होती है अरे यार उससे मिलती हूं नहीं ये सुन के मुझे वाकई खुशी श्रीदेवी वाला ओके चलो जी श्रीदेवी होंगी हमारी सोनिया उसने यार हमारा फखर है ओके जी अगला सवाल क्या सोनिया एक सीन करते हुए पाँव में कील लगने से जख्मी हो गई ये क्या सीन था आपको कैसे पता ये तेज पटन का जमाना था okay. तो हम लोग वो सॉन्ग शूट कर रहे थे मैं नहीं बोल दी तो वो वाला सॉन्ग शूट कर रहे थे तो पहला ही टेक था और बड़ा सब कुछ सेट लगा हुआ सारी चीजें मैंने भागते हुए जाना है और बीच में खड़े होके एक शॉर्ट करना है स्टेप करना है तो वो मैं जब गई हूँ तो वो सेट के ऊपर एक कील रह गई थी वो यू लिटरली इससे भी बड़ी इतनी बड़ी कील थी वो पूरी मेरे पाँव में गई है क्योंकि पाँव आप जोर से रख रहे होते हैं ना जब डांस कर रहे होते तो वो गई और मुझे पता नहीं लगा मैंने अपना पूरा स्टेप दे दिया अच्छा, पता नहीं चला नहीं क्योंकि आई डोंट नो जब आप आई थिंक वर्कआउट कर रहे होते हैं कुछ है तो खून तक गर्म हुआ था आपको उस वक्त नहीं पता लग रही होती तो गई और फिर वापस शॉट देके वापस आ गई ताली बजी वेरी गुड शॉट वापस आई हूँ तो डायरेक्टर ने कहा सुनो सेट लाल क्यों हो रहा है सेट लिटरली ऐसे 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 लाल हुआ हुआ था तो उन्होंने कहा कि वो देखे जाके देखा तो वो जहाँ से सेट से मैं वापस आके अपनी चेयर पे बैठी थी वहां तक लाल था रेड हुआ हुआ था वो ब्लीडिंग हो रही थी और किसी को पता ही नहीं लगा क्योंकि इतना क्योस मचा हुआ था फिल्म के सेट पे तो वो देखा तो फिर सब उसके बाद सब आए फिर वो ठीक किया खैर उस रात पूरा मैंने शूट किया सारा डांस ये सारी चीजें अगले दिन मेरे पाँव इतना ज्यादा बड़ा हो गया था तो वो कील फिर नीलामी के लिए रखवाई गई ये कील नीलामी मैं काम करता हूँ फॉरन जा रहा हूँ ब्रेक पे और ब्रेक पे आगे ये कील मंगवाऊंगा मैं ये देखना चाहता हूँ कील कौन सी जैसे सोने के पैर पे लगी हम जा रहे हैं ब्रेक पे मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिएगा तो नाचते हुए आ जाऊंगा Welcome back from the break. You are watching the night show with Yasamo. मेरे साथ मौजूद है हमारा फगर हमारी सुपरस्टार सोनिया हुसैन. अब मैंने तीन दफा सांस लिया पता है अच्छी बात है पानी और बात तीन दफा सांस लेके पीछे नहीं यार जब अपना दोस्त आता तो हमें फखर हम प्राउड फील करते हैं यार हमारा फखर थैंक यू सो मच अच्छा भाई अगला जो गेम खेलने लगे हैं वो है पावर प्ले पावर प्ले में ये होगा कि तेज तेज सवालों के अपने तेज तेज जवाब देने हैं तो छक्के चौके आपने लगा लेने हैं ठीक है जी पहला सवाल क्या कभी खुद से ही अपने बारे में रूमर फैलाया कोई ओ ये तो सब पहचान लेंगे बता दो मैं थोड़ा सा ना ऐसे सीरियस रहती हूँ क्योंकि जब शुरू में आई थी ना तो लोग कहते थे अच्छा छोटी सी है इसको करो स्पॉइल करो स्पॉइल करो जो भी बिठा के रखो मैं ना थोड़ा सा यूं रहने लग गई तो लोगों को मेरी शक्ल ऐसी जब मैं थोड़ा सीरियस जाती ना लोग समझते हैं कि वो बड़ी एरोगेंट हो तो मैं कहा हाँ अच्छा है समझे जानबूझ के खड़ूस बन के बैठी होती थी जानबूझ उनको लगे कि मैं हालांकि हूँ नहीं मैं गुस्से में बैठी हूँ अच्छी याद दिखी ओके जी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा मैं पहली दफा अम्मी अब्बू के साथ वहां गई थी उम्र पे गई थी तो मैंने ये सोचा था मैं बड़ा चेक आएगा ना तो फिर मैं अम्मी अबू के साथ उम्र पे तो अचीवमेंट होती है यार आपकी लाइफ तो वो एक तो साथ उनको लेके जाना और उसके बाद उनके साथ हाथ पकड़ के खाना काबा देखना वो लिटरली बहुत एक लार्जर देन लाइफ जिसके बारे में पूरी जिंदगी सुन रहे होते हैं वो खाना काबा ऐसा होता है
वो मदीना ऐसा होता है, वो आप देख रहे हो ना, तो वो बहुत एक हर बच्चे का ख्वाब होता है। अल्लाह ताला खुशनसीब बच्चे होते हैं जिनसे ये ख्वाब पूरा करवाते हैं। ओके जी, दो स्क्रिप्ट ऑफर हो, एक में इमरान अब्बास और दूसरे में हुमायूं सईद, किसको मना करेंगी? क्यों मना करूं, दोनों अच्छे हैं, दोनों एक साथ ये डेट्स क्लैच हो रही हैं हुमायूं के साथ। ओके इमरान भाई को कहेंगे बाद में आए प्लीज। इमरान ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके ऐसे ना करें, इमरान भी बहुत, ये दोनों को एक ही ड्रामे में ले लेंगे। ठीक है ओके जी, एक्टिंग में कौन आपको टफ टाइम दे सकता है? सीन करते हो कितना यार ये इसके साथ सीन करना मुश्किल है बहुत। मुझे लगता है इरशा गजल, इरशा गजल के साथ आपको लिटरली अपने सारे जो है ना वो एक्टिवेट करने पड़ते हैं, मतलब आप ऐसे ही नहीं एक्टिंग कर सकते, आपको तैयार होना पड़ता है। नुमान एजाज, नुमान भाई वाह, बहुत मजा आता है। सेट पर कौन सी ऐसी तीन हस्ती है जो दर्दे सर बन जाती है? मेरा मेकअप रूम अलग होता है, मुझे नहीं पता होता कि सेट पे चल क्या रहा है, सिर्फ सीन में होती है और मेकअप रूम में वापस है, तो लिटरली मुझे नहीं पता सेट पे। और मैंने किया भी इसीलिए अलग है क्योंकि मेरे ऊपर ना वाइब बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, तो कहीं गॉसिप हो रही हो तो मैं उसमें लग जाती हूँ, दिमाग नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी आती है तो आपका कैरेक्टर में से दिमाग निकल जाता है, बहुत अच्छी बात, तो नहीं पता लगता मुझे क्या चल रहा है। अगर किसी की पेंटिंग बनाना चाहेंगी तो वो किसकी होगी, फवाद खान, शुएब मलिक या ज़ाहिद अहमद? शुएब मलिक, शुएब मलिक बना लेंगे क्योंकि आसान है, ऐसे वी बनाया जिससे जान छुड़ाना मुश्किल हो गई हो? कोई एक बहुत ये वैसे क्यूट बात है लेकिन हाँ, एक बंदा है जो हमारे घर के आगे आके खड़ा हो जाता है, उसको ये भी पता होता है कि मैं कब निकल, अभी आजकल नहीं, आजकल नहीं, ये आई थिंक एक डेढ़ साल पहले की बात है। ओके okay. तो वो कंटिन्यूसली आता था, मेरे अबू से रोजाना मिलते थे, वो कहते थे हाँ हाँ बेटा मैं मिलवाऊंगा मैं, मतलब हा? वो ऐसे दोस्त बन जाते, मैं कहती थी अबू ये नहीं करना होता। तो उस दिन एक दिन अचानक मैं रात को निकल रही थी तो वो अबू ने उसको बिठाए हुए अंदर और चाय पिला रहे उसे, मतलब सोचा घर पे लिया बहन को, एक स्टॉकर को कह रहे बेटा ये बड़े दिनों से आया हुआ है, आज तो अपनी बहन को भी साथ लेकर आया है। तो मैंने कहा यही सारे अब्बू अम्मी, एक दिन मेरी अम्मी एकदम, मैं शूट से आया, मैं अभी शावर लेके बाहर निकला, अम्मी कह रही कोई मेहमान है, अच्छा मुझे लगा फैमिली का कोई मेहमान है, मैं वहां पे गया दो लड़कियां बैठी हुई ड्राइंग रूम में, अब अम्मी से मैंने नहीं पहचाना, मैंने कहा अम्मी कौन है, लड़कियां आई थी, हां लड़कियां दो, अम्मी कौन है, अम्मी कह रही वो फैन है, वो देख के आई है, उनकी फला फला नेबर की रिश्तेदार है तो उन्होंने बताया तो वो आई है मिलने, मैंने अम्मी को देखा थैंक यू सो मच आप आई ये वो, अच्छा मुझसे करिए आप ड्रामे में यू करें ना, आप ड्रामा मुझे मशवरे देने लगे, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल यू करूंगा, मैं बारह है, मैंने अम्मी घर में इस तरह नहीं बुलाते, हालात कितने खराब है, आपको क्या पता कि कौन है क्या करने आ रहा है घर देखने आ रहा है। अच्छा अम्मी अबू ना वो एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पे चल रहे थे। ओके कितनी बार सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाया? बहुत दफा, कहाँ कहाँ ये बताओ, काउंटलेस, कहाँ कहाँ भाई, मुझे कभी अपॉइंटमेंट्स नहीं लेने पड़ते, कॉल करती हूँ चली जाती, सलून वगैरह में, सलून्स में आज तक पैसे नहीं देने पड़े, ये आज तक कपड़े नहीं खरीदने पड़े, नहीं करो यार तो ये बता रही हूँ जो बता देना क्या हुआ, चलो ये तो ब्लेसिंग है, सही कपड़ों के पैसे बच गए, सलून के पैसे बच गए, सारे बड़े बड़े खर्चे तो बच गए। हाँ तो मैं तो कहती हूँ मुझसे जो शादी करेगा उसको तो मेरे पांव छूने चाहिए, कि ये बंदी का तो कोई खर्चा ही नहीं है कि नहीं, हाँ सब कुछ बुरा रखो, क्यों आप अग्री नहीं करेंगे, तस्वीर लगाएंगे आप, हाँ ये तो मतलब देखो ये तो मेहनत का सिला है ना, जो आप सुबह से लेके रात तक मेहनत कर रहे होते हो, धूप में एसी भी नहीं चल रहा था, पंखे भी नहीं चल रहे थे सेट पे, नहीं लेकिन लेकिन सिर्फ ये वन साइडेड नहीं होता, आई मीन इट्स ऑलवेज अ बिजनेस, के अगर अगर वो हमें फ्री कपड़े दे रहे हैं तो दे आर गेटिंग अ पिक्चर आउट ऑफ इट, प्रमोशन मिल रही है उनको, फ्री की प्रमोशन मिल रही है। आपका आइडियल कैसा होना चाहिए? शीशे में ना देखते रहे, मुझे देखे, जिससे शादी में चाहती है वो आदमी हो, मतलब उसमें मेनली ट्रेट्स हो, वो औरत को औरत समझ के उसकी इज्जत करे, उसकी बराबरी ना करे। आप एक क्वीन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप भी तो किंग बने। बिल्कुल सही बात है। ओके जी, ऐसा कैरेक्टर जो शूट करने के बाद आपके अंदर रह गया हो? बताया था भी मैंने आपको, वही वाला, ये वाला नाजुक, जो मुंह टेढ़ा करने लग गया, नाजुक शराब था जो मेरे बहुत ज्यादा रह गया था। ओके जी, अपनी कौन सी आदत है जो बदलना चाहेंगी? टाइम पे आने वाली मैं कहने वाला था, टाइम पे आने वाली, सुनने में कितने ऑनेस्ट जवाब दे, अच्छी बात है। क्या कभी इंस्टाग्राम पे अपना इनाम नहीं मिलेगा? इनाम आपको बिल्कुल, भाई कहाँ है वो डब्बा रखा हुआ था हमने अगर अदाकारा ना होती तो क्या होती है? बैडमिंटन प्लेयर, स्क्वाश प्लेयर या क्रिकेटर या अपनी पसंद का कोई प्रोफेशन? फिर ऑब्वियसली फिजियोलॉजिस्ट होती क्योंकि मैंने वो पढ़ा हुआ है, लेकिन इसकी एक अच्छा ऑप्शन है, क्या है? बैडमिंटन प्लेयर, स्क्वाश प्लेयर या क्रिकेटर?
स्क्वाश प्लेयर। स्क्वाश प्लेयर, दीवारों पर दबा दबा। मैं बहुत अच्छा स्क्वाश खेलता हूं। अच्छा, बहुत अच्छा। I'm a very good squash player. अच्छा जी, अगला गेम जो खेलने लगे, स्क्रीन लग चुकी है। सोनिया, बहुत सारी चीजों के नाम लोगों ने रखे हैं। मग का नाम मग रख दिया, टेबल का नाम टेबल रख दिया, किसी को नहीं पता किसने रखा है, लेकिन रखा हुआ है। तो अगर इन चीजों का नाम सोनिया उस टाइम को रखने होते तो वो क्या नाम होते हैं? लगाएं पहली तस्वीर। मुस्फा, मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम मुस्फा है, वो ऐसे मुस्फा। ओके, इसका नाम होता मुस्फा। ओके जी, अगला। ये तो बहुत जरूरी चीज है, लाहौर में बड़ा यूज होता है, गोरा करने वाला। वो भी गोरा करने वाला ला दे जी। अगला, क्यों करते हैं इतना गोरा अपने कलर से ज्यादा? गुलाल, ये तो शुएब मलिक। I'm so sorry. I'm so sorry. अच्छा जी, ये होता शुएब मलिक जी। अगला, ये पीपल। पीपल, हाँ पीपल है हर तरह के होते हैं, हर तरह के। वाह वाह। अगला, हैदराबाद। हैदराबाद, इसका नाम होता है हैदराबाद यार। हैदराबाद, मुझे ग्रीन रंग हैदराबाद दिखाना भाई। अगला, नहीं तो हैदराबादी कंगन है ये। हैदराबादी कंगन है, मैं अपनी बहन के लिए लेकर आई थी ये। अच्छे, तो इसका नाम होता है हैदराबाद, सिर्फ कोई भी नाम रख दे। हथकड़ी। हथकड़ी, वाह वेरी गुड। है नहीं, मोतियों वाली हथकड़ी देना भाई, अगर अच्छी शादी ना हो तो हथकड़ी बन जाती है। वाह यार, ये गहरी बातें करने लग गई लड़की। वाह, फिलोसफर। अगला जी, ये तो बहुत जरूरी चीज है हम सबके लिए, अगर ये ना हो ना हमारे बाल ऐसे चंपू लगे आपको। इसका नाम होता है ब्लोर। ब्लोर, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि सिर्फ इससे हम ब्लो ड्राई नहीं करते, क्योंकि यूजुअली हमारे सेट पे ब्लोअर नहीं होते, तो हम इससे बाल उड़ा रहे हैं। चल, हालांकि उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। वेरी गुड, इसका नाम ब्लोअर जी, ब्लोअर नाम है इसका जी। अगला, गुग। हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हम हमारी जिंदगी ना मुकम्मल है। मिस इन्फॉर्मेशन, गूगल पे सब झूठ है। सब तो नहीं, बहुत सारी चीजें गलत भी आ जाती हैं। हाँ। तो इसका नाम मतलब झूठी आंटी। झूठी आंटी है ये जी। अगला, आपा। झूठी आपा। जी, सिल्क। सिल्की, सिल्की, सिल्क, स्किन, पता नहीं तुम्हें क्या नाम है। इसका नाम बता, झागू। झागू, झाग बनाते ना, ऐसा नाम भी रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं। हाय, उसकी कोई वो ना बने, कोई सेंस नहीं, तो झागू रख दे। झागू, ओके जी, झागू, वेरी गुड। अगला, तो कुछ साबुन में तो कॉस्टिक नहीं होता, तो झागू ना हुआ तो वो ना झागू। जी ये अयास, मुझे तो लगता है इसको करके ना आप निकलेंगे। तीन विश बताए अपनी, कौन सी पूरी करनी है? करेंगे आप विश? मैं कर दूंगा। है एक तो आप, अच्छा मुझे मुझे एक ना मर्क चाहिए। मर्क चाहिए। ओके जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं ना शुभदे आ गई मर्क। अगला जो गेम खेलने लगे हैं, आपके कुछ दोस्त है, कुछ कोलीग्स है, आपने उनकी पर्सनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए बताना है कि उनके पासवर्ड क्या हो सकते हैं। ओके जी, मम बनाने का पासवर्ड क्या होगा? मम बनाने का पासवर्ड होगा जानी। जानी, जानी इसलिए क्योंकि लाहौर में ना यूजुअली एक्ट्रेस को सर मैम करके नहीं बुलाते इस कराची में, अनलाइक कराची, वहाँ पर बहुत प्यार से बुलाते हैं। फिल्म की थी एक आजादी, जिसमें हमारे डायरेक्टर और सारा क्रू, क्योंकि लाहौर से था, सब कहते मम्मी जानी, मम्मी जानी। मैंने कहा जानी जानी क्यों कर रही है, लेकिन जानी बड़ा स्वीट लगा था। मैंने कहा जानी कितना अच्छा नाम है। ओके जी, फरियाल महमूद का पासवर्ड क्या होगा? मेकअप। मेकअप, बहुत शौक से करती है मेकअप? नहीं, शी इज वेरी एक्सपर्ट। अभी मैं एक उधर गई थी शो पे, बैक स्टेज पे, तो वो मेरे बिल्कुल सामने ही बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि कितना अच्छा मेकअप किया, किसने किया? कहे आई डिड इट मायसेल्फ। मैंने कहा क्या? तो बाद में चला कि फरियाल जो है वो पहले मेकअप ब्रांड के लिए काम करती थी, वो पता नहीं मैनेजर थी क्या थी, तो वहां से उन्होंने वो मेकअप। तो आपने फरियाल को कहा कि गुड एट, मेरा भी कर दे, ये वाला मेरा भी कर दे। होता है ना, मैं लड़कों में कर भी देती हूं, कर भी देती लड़कों में, तो अच्छे बाल बना ले यार, ये वाले बाल मेरे भी बना दे, ये काम मेरे जिम्मे होता है। नहीं, मैं तो फ्रीदा खालो बनी थी उसमें, तो वो मेरा मेकअप ही अलग था, मतलब पूरे एक फ्लावर का वो, आई थिंक वो रिसेंटली आया है। ओके ओके, समीर भाई का पासवर्ड क्या होगा? समीर खान। क्या पासवर्ड होगा? समीर भाई बहुत पॉजिटिव इंसान है, वो कुछ पॉजिटिव सा पासवर्ड होना चाहिए। सुपरमैन। सुपरमैन, हां समीर सुपरमैन लगता है ना? लगता है ना समीर सुपरमैन? मैंने भी नोट किया, वाकई लगता है, लगता है समीर भाई सुपरमैन, वेरी गुड। ओके जी, जाहिद अहमद का पासवर्ड क्या होगा? जाहिद का पासवर्ड, जाहिद टाइप कैसे करे वो मैं देखना है। अरे बल्कि ये फेसबुक पासवर्ड है। हे सिरी, हे सिरी,
कितनी बोंगियां मारो नहीं 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 जाहिद भाई ये देख रहे हैं जाहिद नहीं बल्कि जाहिद भाई नहीं फेस लॉक पे लगा हुआ है नहीं नहीं वो तो फेस ही हुई करेगा फिर खुल जाएगा और यासर ने उसको रखा हुआ भी वैसा ही है ना तो मतलब वही बात है कि अगर आप बहुत अच्छे से रखेंगे तो वो करती है तो हाँ यासर हुसैन होगा उसका पासवर्ड उर्वा हुसैन का पासवर्ड क्या होगा टिच बटन ओके उर्वा का पासवर्ड टिच बटन मोहसिन अब्बास हैदर का पासवर्ड क्या होगा फेसबुक हाँ वो इतना फेसबुक पे एक्टिव है बहुत ज्यादा एक्टिव है ओवरली एक्टिव है मोहसिन कम कर दे मेरे भाई नहीं मैंने खुद भी मोहसिन का मैंने कहा मोहसिन हर किसी चीज का जवाब देना या अपना रेज निकालना जरूरी नहीं होता ओके जी वेरी गुड सोनिया हुसैन अगला जो गेम खेलने लगे हैं वो है इम्तिहान मेरे लिए भी आपके लिए भी और देखने वालों के लिए भी आपके कुछ फेवरेट गाने हमारे बहुत मशहूर पाकिस्तानी गाने हैं ये खेल रहे हाँ आप हेडफोन लगाएंगी वो गाने बजेंगे और आपने गुनगुनाना है ओके जी पहला गाना जो सोनिया हमें अपनी आवाज में सुनाने लगी हैं मस्ताना हुआ वाह तेरी वाह तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर तुझे मिलना पड़ेगा समाना हुआ सताएं सुनो जफाएं सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था वाह सुनिए कैसे सीखा गाना क्या मेरे से गाना सीखा है क्या पागल हो गए तुम अरे गंदा गाना गाती हो अच्छा गाए सुनो मैं अपनों को सुनना चाहती हूँ कैसा हो सकता ये आपको भी सुनाते हम ठीक है जी रेडी ओके ये फौरन डांस शुरू अब गाने की बारी की फिर देखना ये मेरी इस गाने का जो है ना छनो मेरी बहन को कहते हैं उनकी आंख में एक नशा है पता नहीं मार क्या रहा है गाल पे इसके तिल का नशा है चन्नू की आंख में एक नशा है गाल पे इसके तिल का नशा है इस पे ये उसकी हया है ओ दिल दे लिया है वेरी गुड सोनिया ऐसे ही कह रहे थे कि आप बुरा गा रही हैं अच्छा गा रही हैं पता है आपका मैं तो एल्बम निकलवाने के सोच में हूँ मैं आपका एल्बम निकाल दूंगा पता है तस्वीरों वाला करियर तबाह करना ओके जी मीठी मीठी मचती है यार ये अच्छा गा रही है वेरी गुड देखूं ये तुझको यूं ही हो जाऊं पागल ये पागल तू मिला जमाना दिल मेरा हाँ वहां पर दूर आने वाला हाँ बूम बूम ये मिलते हैं हम तुम आँखों आँखों में होते हैं गुम वाह दिल बोले बूम बूम ओह यार वेरी गुड सोने में मजाक नहीं कर रहा हमने बाकी बहुत अच्छा गाया है चलो चुप करो बस तेरे बीच में अब लड़ लड़ कर एक दफा बाकी बहुत अच्छा गाया है तेज गा रही है मुझे याद ही नहीं है यार लेकिन आई एम इंप्रेस्ड ये टैलेंट है भाई सोनिया का हम चाहेंगे कि जो लोग देख रहे हैं अगला ओएसटी इनके ड्रामे का इन्हीं से गवाएं फिर तो ड्रामा ही नहीं चलेगा ओके जी अरे भी आ ही जाएगा वाह मिलो तो सही वाह रास्ता कोई मिल ही जाएगा चलो तो सही और कितना अच्छा गाना है मैं खराब कर रही हूँ कितना अच्छा गाना तुम खराब कर रही हो भी आ ही जाएगा आ ही जाएगा बहुत जबरदस्त गाया है जब आपको लोग टैग करेंगे ना सोनिया
सिंगिंग टैलेंट इंस्टाग्राम पे दुबक चलेगा आपको. अच्छा गया नो डाउट. खैर थैंक यू सो मच सोनिया, आप आए और आपने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. बस देख लें आप. ओके हमें पता है बहुत बिजी. थैंक यू फॉर हैविंग मी, मतलब इट वाज सो मच फन, बहुत ही मजा आया. और ये गेम तो ना मैं किसी और से भी करवाऊंगी, कितना अच्छा गेम है. ये आपको इन्वेंट किया हुआ है? मैंने तो कहीं नहीं देखा है ये. हां बड़ा अच्छा गेम है. आप हेडफोन बनाओ और गाओ. हां है, कितना अच्छा गेम है. और पता नहीं आगे से बढ़ो मैं क्या कर रहा हूं इंसान. थैंक यू सो मच. जाने से पहले अपने फैंस से प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगी सोनिया? प्यार करने वालों से कहना चाहूंगी कि प्यार करें. फैंस से भी ये कहेंगे प्यार करें? नहीं नहीं, मैं असल बात ये है कि मुझे ये कहने का बड़ा वो होता है, दिल चाहता है कि मतलब मेरा बड़ा दिल दुखता है. जब मैं अभी पिछले दिनों जा रही थी लाहौर में, मैं कहीं जा रही थी और लिटरली मैं जहाँ से हमारी गाड़ी शुरू हुई है और वो गाड़ी चले जा रही है और लेकिन कतार नहीं खत्म हो रही जो आटे के लिए लगी हुई थी. वो एक आटे की बोरी लेने के लिए इतने से बच्चे से लेके बूढ़ा आदमी भी कतार में लगा हुआ था. तो मतलब मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने लोगों को बुनियादी चीजों में इतना घेर दिया है कि इनको बुनियादी चीजों में इतना ज्यादा डाल दो कि ये अपने हक की बात ना कर सके. तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि सारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने हक को पहचाने, इन चीजों से ऊपर है और सोचें बड़ी चीजें क्या करनी, सही सियासतदान को चूज करें. बहुत अच्छी बात. थैंक यू सो मच सोनिया, आपने इतनी अवेयरनेस दी लोगों को. थैंक यू सो मच, आप आई, बहुत मजा आया मुझे. आई होप जो घरों में देख रहे होंगे भी बहुत मजा आया होगा. खैर इसी के साथ ही खत्म करते हैं आज का एपिसोड, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में. टिल देन, या समोसा निभाओ.